तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाने का पहले ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो का बीच में मैं जो बताऊंगा ये भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब इसी तरह प्रॉब्लम आपका पास आएगा तो आप रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि जो जो रीजन होता है, जितना रीजन हो सकता है इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर सभी मैं ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, ये सैमसंग कंपनी का एक 14 इंची अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ठीक है। और इसका योक कॉइल देखिए स्क्वायर टाइप, और इसका पीसीबी देखिए ओरिजिनल सैमसंग का पीसीबी है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर का प्रॉब्लम। किस तरह पिक्चर का प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सप्लाई देखिए, फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हो कि इसका ऑडियो और वीडियो कॉर्ड इनपुट करके ही रखा हूँ, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, देखिए स्क्रीन का अंदर पिक्चर किस तरह आ रहा है। देखिए पिक्चर का क्वालिटी क्लियर नहीं है। इसी तरह ये देखिए बहुत धुआं धुआं, इसी तरह पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर का क्वालिटी देखा जाता है तो देखने को जो लगता है कि इसका पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो दोस्तों, ये जो पार्टी का टीवी है, तो एक टेक्नीशियन घर पर जाके ये टीवी को देखा है और बताया है कि ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट हो गया, ये रिपेयर नहीं होगा। तो दोस्तों, वो टेक्नीशियन वो टीवी छोड़ के चला गया और पार्टी ने मेरा पास ले के आया। बट दोस्तों, आपको बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, और ये प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाना चाहता हूँ कि इसका सिम्टम को अच्छा करके देखिए। ये जो पिक्चर का ये घोस्ट इमेज जैसा पिक्चर इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। और पिक्चर देखिए हल्का सा जंपिंग कर रहा है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। तो पिक्चर जंपिंग क्यों कर रहा है, तो ये तो अलग से रीजन हो सकता है, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसी तरह जंपिंग प्रॉब्लम हो सकता है। बट दोस्तों, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए कि ये जो पिक्चर का क्वालिटी, ये क्लियरिटी नहीं है, पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम जैसे इस तरह प्रॉब्लम है, और हल्का सा ये जंपिंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि दोस्तों, ये जो वीडियो का क्वालिटी क्लियर नहीं है, और घोस्ट इमेज पिक्चर जैसे इस तरह पिक्चर इसके अंदर शो हो रहा है, और लाइट बढ़ने के बाद दोस्तों क्या हो रहा है कि रिक्टेस लाइन आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो मेन प्रॉब्लम है, तो बहुत टेक्नीशियन का मन में चलेगा कि एबीएल लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोस्तों ये एबीएल लाइन का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, ये जो पिक्चर मैं सामने से टीवी को घुमा के आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, टीवी को थोड़ा सा मैं घुमा के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर देखिए थोड़ा सा जंपिंग कर रहा है, और घोस्ट इमेज पिक्चर जैसा ये पिक्चर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ईएसटी घुमाने के बाद ये पिक्चर सही नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम 180 वोल्ट लाइन के अंदर जो कैपेसिटर रहता है वो प्रॉब्लम होने से हो सकता है। बट कैपेसिटर जब वीक हो जाएगा तो 180 वोल्ट लाइन का अंदर 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज डाउन हो जाएगा। बट दोस्तों, इसका जो 180 वोल्ट लाइन के अंदर वोल्टेज 200 वोल्ट का आसपास है, तो इसका वो लाइन का वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। बट अब देखिए, ये जो स्क्रीन है, ये जो एवी लिखा यहाँ पर शो होने के बाद ये चला गया, तो ये फिक्स्ड है। ओनली इसका जो पिक्चर ये जंप कर रहा है, देखिए ये जो पिक्चर ये जंप कर रहा है, तो इसका और एक जो रीज़न है कि ये देखिए यहाँ पर ए भी कभी कभी आ जाता है, ए भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ए भी चला जाता है, ठीक है। मतलब इसका अंदर जो सिग्नल, जो वीडियो जो सिग्नल है, ये जो इनपुट लाइन है, ये लाइन का अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए, थोड़ा सा चेक करने के बाद पता चल जाएगा। टीवी को मैं घुमा कर आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चेक किया जाता है कि ये वीडियो लाइन का प्रॉब्लम है क्या और अदर्स लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेट करने के बाद
आपको लाइव दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। मीटर को मैं वोल्टेज रेंज पर सिलेक्ट करके और मीटर का जो नेगेटिव कोड है, नेगेटिव कोड को पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी है जो नेगेटिव है इसका साथ कनेक्शन करके, ठीक है, एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा। कुछ कुछ नॉर्मल जो वोल्ट है कि इसका जो बेस 180 वोल्ट लाइन का अंदर कितना वोल्ट है। ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज देखिए दोस्तों 204 वोल्ट है, तो मतलब बेस बोर्ड का अंदर जो वोल्टेज आ रहा है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो इसी तरह पिक्चर प्रॉब्लम हो सकता है। तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो आपको ये लाइन का अंदर जो कैपेसिटर रहता है 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर रहता है, यहाँ बेस बोर्ड का अंदर भी एक कैपेसिटर है और ये जो पीसीबी है पीसीबी का अंदर भी एक कैपेसिटर देखा जाता है 10 माइक्रोफैराड का और 4.7 माइक्रोफैराड भी हो सकता है। वो कैपेसिटर को चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये ऑडियो वीडियो कट कनेक्शन होगा तो आपको ये लाइन को आउट करना पड़ेगा, तब आप सही से चेक कर पाओगे। देखिए मैं थोड़ा सा चेक किया और मन में जो चल रहा है कि ये पारसी फॉल्ट है और अधिकतर सैमसंग का अंदर यही पार्स प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए मीटर को मैं बार्जर मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है, और मीटर का जो नेगेटिव कोड है ये नेगेटिव कोड को पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया। और बार्जर मोड पर सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव है और पीसीबी का जो मेन नेगेटिव है इसके साथ कनेक्शन हो जाता है। सॉरी दोस्तों, तो ये जो पीसीबी का नेगेटिव है इसका साथ देखिए क्वांटिटी आ रहा है और इसका ओम्स कितना है 3.3 ओम्स का आसपास, ठीक है। बट दोस्तों ये जीरो होना चाहिए तो कोई बात नहीं, ये जो मेन पीसीबी का नेगेटिव है ये नेगेटिव से, ये जो मेन पीसीबी का नेगेटिव है ये नेगेटिव से पिक्चर ट्यूब का जो नेगेटिव जो डिस्टेंस है देखिए 4.6 ओम्स का आसपास, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव है इसका पास ये जो पॉइंट है ये वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन का, आप अच्छा करके देखिए ये वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन का। तो दोस्तों ये टेक्नीशियन ये थोड़ा सा ये काम किया और लग रहा है कि ये सब चेक किया और बेस बोर्ड को देखिए अच्छा करके सोल्डरिंग भी किया कि ये जो प्रॉब्लम बेस बोर्ड से हो सकता है इसी तरह ये टारगेट करके ये सब सोल्डरिंग किया, हो सकता है कुछ पार्ट्स चेंज किया। बट चलिए इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिखाना चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो वीडियो इनपुट सिग्नल लाइन है ये सिग्नल लाइन का अंदर आपको मीटर टच करके देखना पड़ेगा कि ये जो ओम्स देखिए कितना है मीटर का अंदर, देखिए 7.7 ओम्स नेगेटिव का साथ। तो दोस्तों ये बार्जर बज रहा है बट आपको ओम्स देखना पड़ेगा 7.7 ओम्स, तो दोस्तों ये बहुत लो ओम्स है। बट दोस्तों ये जो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन इसका ओम्स 70 से 100 ओम्स का आसपास रहता है, ठीक है, 70 से 100 ओम्स का आसपास रहता है बट ये ओनली 7 ओम्स है। चलिए मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का ओम्स 4 ओम्स है और वीडियो लाइन का इनपुट जो लाइन है ये लाइन का ओम्स 7.7 ओम्स। मतलब ये जो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन है ये लाइन कुछ अंदर कुछ शॉर्टिंग हो सकता है। तो ये लाइन जो यहाँ से चला गया ये नीचे, आपको देखना पड़ेगा कि ये किधर चला गया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ये जो लाइन है ये लाइन इधर से ये शुरू वाला जो लाइन जा रहा है यहाँ पर और ये लाइन का अंदर देखिए एक नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ओम्स 100 ओम्स का आसपास रहता है, इसी रीजन से ये जो रेजिस्टेंस 100 ओम्स का आसपास रहता है तो नेगेटिव के साथ ये वीडियो लाइन का सिग्नल लाइन का ओम्स 100 ओम्स का आसपास ही होता है। बट दोस्तों ये 7 ओम्स हो गया। तो अधिकतर क्या होता है सैमसंग टीवी का अंदर, यहाँ पर देखिए एक जेनर डायोड है, ठीक है, ये जो जेनर डायोड ये साइड पॉजिटिव है जो सिग्नल लाइन और ये साइड नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, अधिकतर ये डायोड शॉर्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों ये नेगेटिव है, यहाँ पर कितना ओम्स देखिए, सॉरी वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन है 7.5 ओम्स और ये नेगेटिव है
और नेगेटिव के साथ कितनम्स फोर ओम्स। तो दोस्तों ये जो लाइन, ये वीडियो लाइन, ये इधर उधर घुमा के ये आईसी का अंदर चला गया, मतलब वो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन का है। तब लाइन ट्रैक करके देख सकते हो, मैं आपको देख, ये लाइन ट्रैक करके दिखाने के लिए टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो फास्ट जो टारगेट करना पड़ेगा, ये जो जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये जेनर डायोड को ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये लाइन का अंदर जो जेनर डायोड है, देखिए ये जेनर डायोड का एक पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो वीडियो इनपुट लाइन है, यहाँ पर कितनोम्स देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग चला गया, बाजर नहीं बज रहा है, ये 76 ओम्स हो गया। आपको क्या बात है कि 70 ओम्स से 100 ओम्स का आसपास रहता है ये जो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन है। तो दोस्तों ये जो वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए अभी बाजर नहीं बज रहा है, और इसका ओम्स देखिए 77 ओम्स का आसपास इस तरह ये ओम्स आ रहा है। और ये जो नेगेटिव आपको फर्स्ट टाइम दिखाया, देखिए ये नेगेटिव इसी तरह ओम्स आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो शॉर्टिंग है ये चला गया, और ये शॉर्टिंग का बजाय तो दोस्तों इसका अंदर जो वीडियो सिग्नल यहाँ पर इनपुट करने के बाद वो सिग्नल वीक हो गया। वीक होने का रीजन इसका पिक्चर का क्वालिटी घोस्ट इमेज जैसा पिक्चर हो गया, और पिक्चर ट्यूब खराब जैसा इस तरह क्वालिटी आ गया। तो चलिए एक बार वीडियो सिग्नल इनपुट करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि जो पिक्चर का क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने ही मैं लाइव टेस्ट करके एक बार देखूंगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, और चलिए स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया सा पिक्चर क्वालिटी और लाइट आ गया, पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जंपिंग प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, जंपिंग प्रॉब्लम चला गया, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हो इसका जो घोस्ट इमेज जो पिक्चर ये चला गया, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आ गया। चलिए मैं पीसीबी थोड़ा सा सेट करके आपको एक बार सामने से दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों पिक्चर दिखाने का पहले आपको ये जो डायोड है, मैं यहाँ पर 4148 डायोड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी सिग्नल लाइन, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, कुछ भी सिग्नल लाइन का अंदर आपको 4148 डायोड देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर आप वोल्टेज डायोड भी, कुछ भी डायोड यूज़ कर सकते हो, तो सबसे बेटर होगा 4148 डायोड। दोस्तों ये डायोड आप नहीं लगाएगा तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, पिक्चर बिल्कुल ओके आएगा। बट ये डायोड लगाने का जो फायदा होगा कि कुछ भी रीजन से वीडियो लाइन का अंदर मतलब बिजली गिर जाने के बाद सेटअप बॉक्स से कुछ हाई वोल्टेज इधर आ जाएगा, तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से जो सिग्नल लाइन का अंदर वोल्टेज आ जाएगा, तो ये आईसी का अंदर आ जाएगा, आईसी का अंदर आने के बाद ये आईसी खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये आईसी को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये डायोड यूज़ होता है। तो दोस्तों कुछ भी रीजन से बिजली गिर जाने के बाद अधिकतर ये डायोड फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, और सेटअप बॉक्स का अंदर हाई वोल्टेज आ जाएगा, तो सेटअप बॉक्स फॉल्ट होने का रीजन से भी ये लाइन का अंदर ये डायोड प्रोटेक्शन रूप में काम करता है, और ये डायोड खुद शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो सिग्नल इनपुट लाइन का अंदर बहुत ब्रांडेड पीसीबी का अंदर इस तरह डायोड देखा जाता है। तो चलिए ये डायोड को सोल्डरिंग करके आपको पूरा पिक्चर देख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो ये वीडियो का कमेंट बॉक्स का अंदर। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।